छोटा सा स्टेशन है, शांत स्टेशन है, बहुत अच्छा स्टेशन है। तो ये था भारत की नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से हम एक छोटे स्टेशन पर आए हुए हैं जिसका नाम है अटरामपुर स्टेशन। ये स्टेशन जो है फाफामऊ से ऊंचाहार सेक्शन पर पड़ता है और प्रयागराज जनपद का हिस्सा है, और यहाँ का जो नज़दीकी मार्केट है वो नवाबगंज है। तो आइए चलते हैं इस स्टेशन की सैर पर। तो ये स्टेशन अटरामपुर भी काफी हरा भरा, अटरामपुर जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में है, और नवाबगंज नाम के जो बाजार है उसका स्टेशन है। ये यहाँ का यात्री शहर काफी पुराना है लेकिन साफ सुथरा है। और ये टिकट खिड़की जो भी लगता है काफी समय से बंद पड़ी है। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। ये पंक्तियां हमें अपने जीवन में जरूर डालनी चाहिए। तो ये है अटरामपुर स्टेशन। और बात करें इस सेक्शन की, तो ये सेक्शन पड़ता है फाफामऊ से ऊंचाहार होकर लखनऊ जाने वाले सेक्शन पर। और इस सेक्शन में गुजरने वाली जो प्रमुख ट्रेन्स हैं उनमें हैं नौचंदी एक्सप्रेस, त्रिवेणी एक्सप्रेस और ऊंचाहार एक्सप्रेस, गंगा गोमती एक्सप्रेस, प्रयागराज संगम लखनऊ, इंटरसिटी एक्सप्रेस, बरेली पैसेंजर और कानपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, कानपुर पैसेंजर। तो ये इस सेक्शन से गुजरने वाली प्रमुख ट्रेन है। और ये सेक्शन जो है मुख्य रूप से कोल रेक के ट्रांसपोर्ट के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ ऊंचाहार में पावर प्लांट है NTPC का, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो वहाँ पर कोयले के रेक्स इसी ट्रैक के जरिए पहुँचाए जाते हैं। वहाँ पर अर्खा एक स्टेशन है, अर्खा से राइट साइड जो है पावर प्लांट है, और वहाँ से राइट साइडिंग में कोल रेक्स को उतारा जाता है। तो बेसिकली ये ट्रैक कोल फ्रेट का यहाँ पे डोमिनेंस है। दिन भर में लगभग 15 से 20 के करीब मालगाड़ियाँ यहाँ से गुजर जाती हैं अप डाउन दोनों साइड। तो ये है हमारा अटरामपुर रेलवे स्टेशन। आओ आ रहे हैं। ये रेलवे स्टेशन प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर लोकेटेड है, और हाईवे से इसकी दूरी लगभग 1 किलोमीटर की है। अब से कुछ देर बाद ही यहाँ से 14218 चंडीगढ़ प्रयागराज संगम ऊंचाहार एक्सप्रेस गुजरेगी, तो थोड़ी देर बाद हमें इसका एक्शन देखने को मिलेगा। बिब्बू कहाँ है? तो ये है भारत इंजीनियरिंग वर्क्स, भारत वेइंग स्केल्स एंड मेजरिंग सिंडिकेट हावड़ा का बना हुआ वेइंग स्केल। इसका यूज पहले किया जाता था जब सामान को यहाँ से पार्सल किया जाता था उसको वेट करने में।
तो आइए देखते हैं उचाहर एक्सप्रेस का एक्शन, जो कि आज टीकेडी के वेब 7 के साथ आ रही है। टीकेडी तो ये था अकरामपुर रेलवे स्टेशन। अभी आपने जो ट्रेन यहाँ से गुजरते हुए देखी वो थी चंडीगढ़ से चलकर प्रयागराज संगम तक जाने वाली उचाहर एक्सप्रेस। आओ ये है अकरामपुर रेलवे स्टेशन, छोटा सा स्टेशन है, शांत स्टेशन है, बहुत अच्छा स्टेशन है, मतलब आप साफ सफाई है, सबसे अच्छी चीज़ साफ सुथरा स्टेशन है और यहाँ पर आके आपको काफ़ी अच्छा भी लगे। तो दोस्तों ये था हमारा ब्लॉग अकरामपुर रेलवे स्टेशन का, और ये एक छोटा स्टेशन था। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे चैनल पर आपको छोटे स्टेशन जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं रेलवे से रिलेटेड वो आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए और हमेशा हमारे साथ बने रहिए। तो मिलेंगे फिर आपसे किसी दूसरे वीडियो में, किसी दूसरे रेल फैनिंग एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।